सरकार मान जाएगी भाई एक आध महीने में बन जाएगी हो। देखो इशू किसान का ये है एमएसपी का एक बड़ा सवाल है देसी, जब तक उस पर खरीद नहीं होगी किसानों को लाभ नहीं होगा। ये किसान का डिमांड है, आगे कमेटी बन जाएगी तो कमेटी बात कर लेगी, बहुत इशू सरकार से है। अरे गले खराब है ना, रात को चले सोते हैं जी। अभी एक बयान दे रहा हमने कि ट्रैक्टर तैयार है और जीरी तैयार हो, क्या मतलब है इस बयान का? ट्रैक्टर तैयार है दिल्ली की तरफ धरने में, तो दिल्ली में ट्रैक्टर से जाना है, जो पशु का कॉन्ट्रैक्ट था वो किसान खत्म करेगा। बस से नहीं, ट्रैक्टर से धरने में आना जाना करो, खर्चा कम रहेगा और ट्रैक्टर ही स्टेटस सिंबल है किसान का। जब हम जमीनों को पाड़ते हैं उससे अपना वो करते हैं तो वही हमारा घूमने का भी औजार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो सर आपने उदाहरण दिया है सर छोटे राम का के सिकर के राजा ने हाथी उपलब्ध नहीं कराया था, आप राजशाही का उदाहरण दे रहे हैं इसका मतलब, और बाद में ये कहते हैं कि दिल्ली के लिए जेली जो आपके इंस्ट्रूमेंट है किसानी के इंस्ट्रूमेंट है वो तैयार रखे, क्या राज दिल्ली पे चढ़ाई करके कब्जा करने की योजना है क्या? हमने ये कहा कि दिल्ली मान नहीं रही, जो दिल्ली के चारों तरफ उधर रहे हैं लोग वहाँ पर आते जाते रहे, एक नज़र खेत पर रखें और एक नज़र दिल्ली के धरने पर रखें, दूसरी नज़र जो कमेटी हमारी है भारत सरकार बात कर रही नहीं कर रही उस पर रखें। ये किसान को रखना पड़ेगा, किसान के अस्तित्व का सवाल है, किसानों की जमीनों का सवाल है, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद ना हो उसका सवाल है, भूख में देश पे व्यापार नहीं होगा उसका सवाल है। जो साहब आप बात तो राजशाही तानाशाही की करते हैं इस लोकतंत्र में, आप सीधे सीधे लोकतंत्र की बात एड्रेस क्यों नहीं करते जनता के बीच में कि जेली ले आओ शिखर के राजा ने हाथी नहीं दिया था? अरे अच्छा पता नहीं तो पड़ेगी बात, छोटू राम वहाँ पे गए 1900 कुछ का है किस्सा, उनका वहाँ प्रोग्राम था हाथी पर उनकी सवारी निकल रही थी, क्या किसान हाथी की सवारी पर नहीं बैठ सकता? 1.5 लाख किसान वहाँ पर आया था, उन्हें राजशाही ने वहाँ का हाथी गायब करवा दिया, कहा कि हाथी पे किसान नहीं बैठ के चल सकता। जयपुर के राजा ने उन्हें कहा पूरी रियासत ने कि छोटू राम है वो हाथी अवेलेबल करवा दो, उनकी सवारी हाथी पे करवा दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य का तहस नहस कर देंगे। 1.5 लाख आदमी अपने खेत के औजार लेकर आ रहे गिंडा से और जेड़ी लेकर आ रहे किसान, जब मैं गए थे वहाँ पर बताओ मैं क्या करूँ, जाकू मैं कैसे वो करूँ? मोदी जी ने आपका हक के रूप में कौन सी चीज ऐसी गायब करा दी जिसे आप हासिल करना चाह रहे हैं? हमारे नहीं करवाए, किसान का ये है कि हमारे आज तो कानून की बात है, हमारे कानून जो हक हकूक है हमने ये कहा कि जो भारत सरकार ने रेट तय करे है फसलों के आप उसका कानून बना दो, उसको सरकार खरीदते हैं उसको कोई व्यापारी खरीदते उसकी कम पे खरीदते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसी को नहीं खरीदना मत खरीदो, कोई किसी हकीम ने बता रहा क्या के सस्ते में ही खरीदोगे, अगर किसी व्यापारी को नहीं खरीदना उसको नुकसान है मत खरीदो। एक राकेश भाई एमएसपी की बात करते हाँ। करते जब एमएसपी पे बात चलती है तो फिर वो 3 बिल को लेकर जाते हैं, तो सरकार अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, आप अड़िंग है क्या? क्या इसका मतलब आपने तय कर लिया कि भाई सियासत करनी है? देश के किसान ने तय कर लिया, गोदाम पहले बने और बिल बाद में बने, इसका मतलब व्यापारियों की साठगांठ से गोदाम बने हैं, वो दिन भी दूर नहीं। ये जनता या तो सरकार मान जाए उन गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो जनता उन गोदामों को भी तोड़ेगे, उनके छप्पर बनेंगे गोदामों के छप्पर। राकेश भाई समझौते के कोई रास्ता निकल रहा है या रायता फैल गया? नहीं रायता क्यों फैल रहा, हमें समझौता करना, जो करीब 40 से ज्यादा कानून है देश में क्यों बदले जा रहे भाई? चौधरी चरण सिंह मंडी एक्ट लेकर आए थे 1938 के आसपास, उन्होंने पूरा प्रपोजल तैयार करा था, यहाँ पे लागू नहीं हो पाया था, लेकिन सर छोटू राम ने पंजाब के में हुकूमत अंग्रेज की थी उसकी हुकूमत में वे यहाँ से मंगाए, यहाँ से चौधरी चरण सिंह जी ने भी दस्तावेज दिए और उन्होंने पंजाब में लागू करे,
और आज पंजाब और उसका किसान की आज MSP पे उनकी खरीद होती है। ये चीजें पूरे देश में लागू होंगी और जब ही किसानों को लाभ होगा, नहीं तो गन्ने का भी हालात खराब हो गया आने वाले टाइम पे। अगर ये आंदोलन होता तो गन्ने पे ये रेट घटा देते, बढ़ाने के तो छोड़ दो, ये करीब करीब 285 रुपये के आसपास रहते, 15 और 25, 40 रुपये गन्ने का रेट घटता। जिस दिन आंदोलन कमजोर किसान का हो जाएगा उसी दिन ये किसान को मार देंगे। राकेश भाई, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो चौधरी अजीत सिंह के साथ मंच साझा करते हैं। राकेश टिकैत चौधरी अजीत सिंह के साथ मंच साझा नहीं कर रहे, क्या कुछ भविष्य की सियासत का योजना है क्या कोई? ना तो साहब, वो तो हालात ये है कि सब लोग वहाँ पर आए थे उस दिन, ठीक है। संयुक्त मोर्चे का हमारा सबका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी वाले लाइन पर हमको नहीं जाना। सरकार फिर ये कहेगी कि ये तो हमारी सत्ता, वो परिवर्तन करवाना चाहते हैं ना। राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है। सरकार किसी की भी होगी वहां पे, अगर उनकी पॉलिसी खराब होगी तो देश में जो आंदोलन होगा, किसान जिंदा रहेगा आंदोलन से, पॉलिटिकल पार्टी से किसान जिंदा नहीं रह सकता। तो बात पहले हाँ जी, एक और चलेगी प्लेटफॉर्म से, नहीं वो एक हिंदुस्तान में कटिंग थी जब ये बिल आए, हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री का हम भी धन्यवाद कर देंगे, जो उनका डिजिटल इंडिया कैंपेन है उससे किसानों को जोड़ दो, जो 23 फसलें हैं जो MSP पे बिकती है, और खास करके जो गन्ने की हमने बात करी थी कि आप गन्ने को जोड़ दो, और वो दिन दूर नहीं कि गन्ने को आपको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ना पड़ेगा। अगला प्रोग्राम हमारा यही है कि किसान ने गन्ना अपना तोला, जब तक वो अपने घर तक पहुंचा उसके अकाउंट में उसका पैसा चल जाए। हमने ये कहा था कि हम भी स्वागत कर लेंगे, आप उस कैंपेन से हमको भी जोड़ दो, ये कहा था। सरकार अरे बस सरकार नहीं मान रही तो मान जाएगी, एक आध साल में मान जाएगी, हमें क्या कुछ वो है, हमें भी काम बहुत है, पूरे देश में जाना हुआ हमको। क्यों गणतंत्र दिवस पर कोई झगड़ा नहीं हुआ? 25 लाख आदमी थे, 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, जो रास्ते हमको दिए गए उन रास्तों पर बैरिकेटिंग थी, 3-3 जगह उन रास्तों पर बैरिकेटिंग, जो लिखित में रास्ते दिए गए। हमारे जो भोले भाले किसान थे उनको दिल्ली के सड़कों के चक्रों में फंसाया गया। लाल किले पर थोड़ा कोई कानून बने और लाल किले पर अगर कोई किसी ने ध्वज लगा दिया कोई जानने को, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो कर लो। बिल से क्या मतलब है उनका? बिल लाल किले पर नहीं बने और बिल से लाल किले का कोई संबंध नहीं है। चौधरी साहब, आपने कहा कि किसान ट्रैक्टर स्टार्ट रखे, क्या फिर एक ट्रैक्टर मार्च होगा दिल्ली में? क्यों नहीं होगा भाई, जो बॉर्डर पर जाएगा किसान ट्रैक्टर से जाएगा, बस उसे नहीं जाने का। झगड़ा होगा तो कौन जिम्मेदार? झगड़ा क्यों होगा भाई? नहीं क्यों होगा, कोई नहीं यहाँ, क्या झगड़ा हो यहाँ? 25 लाख आदमी में किसी की मूंगफली बिठाई बताओ क्या? मतलब जिन्होंने दिल्ली पर राज करा हो आज उनके घर से कोई पुलिस वाला उठा कर चला जाए सामान? अरे सामान तो छोड़ दो, सामान तो वो है, वो तो उसका संग्रहालय बन जाना चाहिए वहीं सामान में। ये तो क्रांतिकारी क्षेत्र है, जहाँ सामान रखा उसको तो सील करके संग्रहालय का बोर्ड लगा दो, आने वाले 100 साल के इतिहास में भी तो देखा जाएगा। जहाँ सामान रखा उसका संग्रहालय बनेगा, जिस पुलिस वाले ने संग्रहालय कर रखा। ये धरने फिर शुरू होंगे, ठीक है, सब होगी। बॉर्डर पे AC भी लगेंगे, कूलर भी लगेंगे। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली का कनेक्शन दे दो, वो नहीं देगी दिल्ली सरकार दे दो, वो नहीं देंगे जनरेटर लगेंगे, सब चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किसान मोर्चा ये कहता है कि मोदी सरकार अहंकारी सरकार है। हाँ अहंकारी है। क्या ऐसा नहीं लगता है राकेश टिकैत को कि राकेश टिकैत के गाजीपुर पे जो आंसू निकले उसकी जो ताकत थी उसके बाद राकेश टिकैत अहंकारी हो गया? नहीं हम कहा नहीं अहंकारी हो गए, हम तो भाई पूरे देश में घूमने लगा, शायद गद्दी दिखाई देने लगी राकेश टिकैत को। देखो नहीं हमारा गद्दी, हम तो पहले भी ये पूरा जो क्षेत्र है पहले भी आंदोलनकारी है, और वो चीज नहीं किसी को पता। 2002 में हमने तो पार्लियामेंट पे ताले लगाए किसानों ने भाई, 2002 में तो पार्लियामेंट के गेट के ताले लगाए, 45 मिनट तक पार्लियामेंट का गेट बंद रखा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे,
और साफ मीडिया ने दिखाया हो ताला लगा होगा संसद में। अरे हम ताला क्यों लगा, ताला तो लग रहा दिल्ली का चारों, ताला ही तो आप लगाओगे ताला दिल्ली संसद में, लग तो रहा है दिल्ली का चारों तरफ। आप अपने बताओ ना, दिल्ली की संसद में ताला लगाओगे? हमने तो 40 लाख ट्रैक्टर लेके जाओगे? 40 लाख ट्रैक्टर का मतलब वो नहीं था, 40 लाख ट्रैक्टर ये है कि जो भी इस आंदोलन से पूरे देश में जुड़ेगा, अगर कर्नाटक के 10,000 ट्रैक्टर बेंगलोर में आए हैं तो भी इस आंदोलन का हिस्सा है, तेलंगाना में 2,500 ट्रैक्टर आए हैं, किसानों का स्टेटस सिंबल बन गया, जो भी साल 2021 का साल आंदोलनकारियों का साल है, किसानों का साल है, जो भी इस साल ट्रैक्टर लेके आंदोलन में शामिल होगा वो 40 लाख के आसपास ट्रैक्टर। एक सवाल है, बताओ साहब, बताओ किसान आंदोलन, गांव किसान और खेती का आंदोलन है, हाँ। 2021 में जिला पंचायत का चुनाव है, 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाग्युके हैं उनकी कई बार संजय सिंह जी से बात हुई है जो राज्यसभा के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, क्या आपकी कोई आगामी राजनीतिक कोई रणनीति हो? हमारी कुछ नहीं, ना इसमें कोई वोट तलाश करने आवे जी, ये किसानों का आंदोलन प्योर वो ही रहेगा, और भाई राजनीति पार्टी वाले तो ठाली है, अपना काम करो, वे भी हम क्या उन्हें मैंने कर रहे। आखिरी सवाल राकेश भाई, आखिरी लग रहे दो और पूछ, क्या राजनीतिक मामले में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के बीच में अंतर है? ना, क्या कोई अंतर नहीं, नरेश राजनीतिक मंच साझा कर रहे हैं, नहीं, नहीं, कहीं कहीं क्या योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं, ये लूरा कुश्ती खेल ले क्या? कोई नहीं साझा कर रहा, कोई नहीं भैया, आपसे नहीं पूछ रहे ना हम, कोई नहीं कर रहा भाई, राजनीति वालों को जो काम ही नहीं करना अपना करो, हम क्या मैंने कर रहे, अपना काम करो। ये भी देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ था राकेश टिकैत सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती थी इस आंदोलन की, आज राकेश टिकैत सबसे मजबूत कड़ी है, 40 लोग हैं हमारे और देश भर निकल, 40 लोगों पे देश की जनता ने विश्वास करा, ये 40 लोग है राकेश टिकैत, कुछ नहीं, मैं भी गन्ने का किसान हूँ, मेरा भी भुगतान नहीं होता, और जो कुछ एक आधी पर्चे हुए घर वालों ने अकाउंट करा क्या साझे में वे काल ले। तो ये आप दावा कर सकते हो आज की तारीख में कि राकेश टिकैत या नरेश टिकैत राजनीति में किसी के साथ खड़े नहीं होंगे? नहीं, नहीं, नहीं खड़े होते भाई, हमें क्या पता रहता है, हम क्या सर्टिफिकेट दे रहे कि कौन मंच पर आ रहा, भीड़ में कौन आ रहा, अब वो राजनीति कौन नहीं कर रहा, हर आदमी जो आदमी वोट देता है सब आदमी राजनीतिक है, सब आदमी सब वोट देता है। आपने पीछे चुनाव लड़ा था विधानसभा का, लोकसभा आगे भी लड़ने का इरादा।